क्वेश्चन है सर, बीएड एंट्रेंस टेस्ट 3 लैंग्वेज में क्वेश्चन होता है। मुझे जानना है कि हम अपना करेक्ट आंसर किस लैंग्वेज में चूज करेंगे, या तीनों में सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब एग्जांपल, मैं फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी में चूज कर लिया, पहला हिंदी में चूज कर लिया, सेकंड इंग्लिश में चूज कर लिया, थर्ड पंजाबी में चूज कर लिया। हाँ, कभी इंग्लिश में जल्दी समझ जाते हैं और कभी दूसरी भाषा में। तो हमें कैसे करना है? सिंपल, एक आप में ये इसका जो क्वेश्चन आपने पूछ लिया अच्छा है। ये मेरे पास पेपर पड़ा है, वो जो 2022 में आया है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने ये पेपर लिया है। बड़ा नज़दीक करके दिखा रहा हूँ, ये रहा है ना। तो ये देखिए, 3 भाषा में है। 2022 से पहले जो है वो भी सेट मेरे पास पड़े हैं, यहाँ दिखा दूँ आपके पास, ये रहा, ये सेट पड़े हैं। तो ये सेट भी अगर 2019 का खोल के देखोगे, ये मैंने खोल लिया 2019 का, ये 3 भाषा में है। ये देखिए, ये इंग्लिश में है, पंजाबी में है, हिंदी में है, लेकिन अब पंजाबी को प्रेफर किया जा रहा है। और हमारे पास ये जो 2022 का है, और आपके प्रॉस्पेक्टस में भी लिखा है कि 2 लैंग्वेजेस आनी है, ये ही क्वेश्चन पेपर यहां पड़ा हुआ है। तो इंग्लिश में है, पंजाबी में है, ये बात। दूसरा आपका उत्तर, कभी आपको ये समझ आता है, फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन पंजाब। ओके, तो किसी वेले सानू ये पढ़ना पैंदा है, पंजाबी विच सूरजी मंडल विच सब तो वड्डा ते भारा ग्रह केड़ा है। हाँ, तुसीं बिल्कुल ठीक हो, ते करना भी जिद्दां तुसीं कहने उदां ही चाहिदा है। पर क्वेश्चन नंबर तो वेरी नहीं ना करेगा राजे, जो मैं कर रहा हाँ कि तीजा क्वेश्चन थोड़ा विच मूव विच बोलते रहो, विस्परिंग थोड़ी करते रहो। जो तुसी करना है, मैं नेक्स्ट वीडियो नीचे लिंक दे देना हाँ, OMR शीट किदां भरनी है, तुहाडी प्रॉब्लम उस दे नाल रिलेटेड है। हुण फॉर एग्जाम्पल, मैनू इंग्लिश विच समझ आया है, जां मैं इंग्लिश दे वर्ड किसी नूं फड़ के अपना उत्तर सॉल्व कर लिया है। मान लो मैं तीजे का डी उत्तर लाना है, ते मैं नाल मूह विच रिपीट करना करदी हाँ, मैं नंबर याद रख रहा हाँ, तीजे दा डी। इधर OMR शीट मेरे कोल है, मान लो ये OMR शीट है, मान लो ये OMR शीट है, ते मैं की क्या है कि तीजे दा डी लगाना है। इतने मैं नीला कलर कर लेना हाँ इसनों, तीजे दा डी, ए रहा तीजा, मैं बोलता रहा तीजे दा डी, ABCD ए, इसनों मैं सर्कल कर देता। ओके, सो होर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुसी ये इंग्लिश विच पढ़ो तीजा, जां तीजा पंजाबी च पढ़ो, समस्या तो है ही नहीं है। गल है कि नंबर जेड़ा क्वेश्चन तुसी सॉल्व किया है उसका नंबर की है, वो नंबर याद रखना है। हुण अगला की है, फॉर एग्जाम्पल, मैं किया 10वां, वैन डिड रणजीत सिंह प्रोक्लेम हिमसेल्फ एज महाराजा ऑफ पंजाब। ये पेपर मैं पा दिना है, यदा एनालिसिस बहुत डिटेल च पाना है, ABCD एनालिसिस हुंदा, लॉन्ग टेल एनालिसिस, 5-7 एनालिसिस ये होने हैं, जब पा दांगा मैं जरूर जल्दी पाना, वो तो उन बहुत आसान सारे क्वेश्चन कर देगा। जिहड़े घट पढ़नगे वो इस तरह भी पेपर दे सकते, जिहड़े नहीं पढ़न नूं जी करदा, अदरवाइज पढ़ के दिओ, क्योंकि तुहानूं PS टैट ते सी टैट विच राजे फायदा होना है। शॉर्टकट मैथड सिर्फ तुहाडी टेंशन घटाउण लई दसदा हाँ। हुण तुसीं 10वें का मान लो तुसी क्या है कि 10वें का तुसी क्या आंसर इज बी, बस इन्ना याद रखना है। 10वां बेशक पंजाबी च पढ़िया है, 10वां तो 10वां है ना, इत्थे 10वां, चंगा किया ये क्वेश्चन पूछ लिया, हैजिटेट नहीं किया, शाबाश। 10वें का बी, इधर भी 10वें का बी 1801 ही है, सो मैं उत्थे जाके याद रखिया कि 10वें का बी है। आंसर शीट ते मैं 10वां भी बोली गया, 10वां और बी इसका ए राइट आंसर है, मैं उत्थे गोला टिक कर दिता, दैट इज ऑल। सो मेरे ख्याल दूजी वीडियो OMR शीट किदा भरनी है वो भी पा दिना हाँ। थैंक यू डॉक्टर धीरज सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।